हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि रक्षाबंधन में भाई बहन को राखी बांधने के बाद कुछ गिफ्ट देता है, तो गिफ्ट का चुनाव कैसे करें, बहन को कौन सा गिफ्ट दे जो उसके लिए शुभ हो और अपने लिए भी शुभ हो, इसकी जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन के मौके पर बहन की राखी बांधने के बाद भाई उन्हें गिफ्ट देते हैं। यह मौका ऐसा होता है कि भाई भी कोशिश करते हैं कि बहनों को उनकी पसंद का ही कोई तोहफा दिया जाए। कई बार गिफ्ट ऐसे होते हैं जो बहनों के काम आ सके। हालांकि बात जब रक्षाबंधन पर बहनों को गिफ्ट देने की हो, तो इस दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप जो गिफ्ट देने जा रहे हैं वो उसके लिए गुडलक साबित नहीं हो। तो ज्योतिष के अनुसार बहन को किसी भी परिस्थितियों में नुकीली या काटने वाली वस्तुएं तोहफे के तौर पे नहीं देना चाहिए। उदाहरण के लिए मिक्सी, नाइफ सेट, मिरर, फोटो फ्रेम आदि। इसके साथ ही रुमाल या तौलिए भी बहन को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, ये उसके लिए बैड लक साबित होता है। तो आखिर जानते हैं कि गिफ्ट में क्या देना चाहिए। तो रक्षाबंधन के मौके पर बहन को रक्षा के संकल्प के साथ साथ भाई को बहन के भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उपहार का चयन करना चाहिए। वैसे तीन तरह के उपहार जो बहनों के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं, वह है वस्त्र, गहने और आशीर्वाद, मीठी वाणी। एक और जहाँ रुमाल और तलिया बहन के लिए अशुभ है, वहीं उसे पहनने के लिए वस्त्र देना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि महिलाओं में लक्ष्मी का वास होता है। भाई यदि उन्हें कपड़े दे तो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है और कृपा बरसती है। गहनों को तोहफे में देने पर भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे न सिर्फ भाई बल्कि बहन के घर में भी सुख समृद्धि बरसती है। मीठी वाणी या आशीर्वाद हमेशा उसे देना चाहिए। मीठी वाणी का उपयोग हमेशा करना चाहिए, लेकिन शक्ति रूपी महिलाओं से बात करते हुए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहनों का सत्कार व सम्मान करें और उसके चित्त को भी शांति मिलेगी और वह सुखी रहेगी। तो ये थी मेरी जानकारी कि रक्षाबंधन के मौके पर भाई अपनी बहन को कौन सा गिफ्ट दे और कौन सा गिफ्ट देने से अपने आप को रोके, ताकि उसके लिए भी शुभ हो और वो आपके लिए भी शुभ हो। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी आई लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।